लीडर बनना आसान नहीं है। नंबर वन बनने के लिए अटूट विश्वास और अथक प्रदर्शन की जरूरत है। एक साइड आपके लिए भारत की सबसे भरोसेमंद इन्वर्टर बैटरी लेके आया है, गारंटीड लॉन्ग लाइफ एंड हायर पावर आउटपुट, हायर बैकअप एंड रिक्वायर लेजर टॉपिंग अप, मतलब काफी कम टॉपिंग अप आपको उसमें करना पड़ेगा। मेंटेनेंस की बैटरी है, मेंटेनेंस फ्री बैटरी बोल सकते हैं, कम मात्रा में आपको उसमें मेंटेनेंस करना होगा, मिनिमम मेंटेनेंस रिक्वायर है, टॉपिंग अप वाटर फिल्म की बैटरी है। सो इसमें कौन से मॉडल्स आते हैं तो इसके बारे में जानने वाले। एक साइड में काफी सारे इन्वर्टर की आपको रेंजेस मिलने वाली है, सो हो सकता है कि आपको रेंजेस के बारे में नहीं पता, तो आज इसी के बारे में इस वीडियो में जानने वाले हैं कि कितने सारे इसके रेंजेस है, कौन से रेंजेस है, ताकि आपको पता चल जाए कि एक साइड में इन्वर्टर बैटरी के कौन से रेंजेस है। तो सारी बातें समझने के लिए वीडियो को अंत तक देख लीजिए। मैं हूं निखिल, आपका दोस्त दोस्त, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। चलिए स्टेप बाय स्टेप सभी जानते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे एक साइड में एक साइड इन्वर्ट ट्यूबुलर। इन्वर्ट ट्यूबुलर में आपको चार मॉडल देखने को मिलेंगे, IT 500, IT 500 प्लस, IT 750, IT 800। तो यहाँ पे आपको 150 एम्पीयर से 230 एम्पीयर की रेंजेस देखने को मिलने वाली है। IT 500 150 एम्पीयर की बैटरी है, IT 500 प्लस ये 180 एम्पीयर की है, IT 750 ये 200 एम्पीयर की बैटरी है, तो IT 850 ये 230 एच की बैटरी है। वेट की बात करेंगे तो 60 केजी से 78 केजी तक के आपको इसका इसका वेट मिलता है। और वारंटी की बात करेंगे तो 66 महीना काफ़ी लंबी वारंटी वाली बैटरी, प्रीमियम रेंज है, महंगी बैटरी आती है। पर बैकअप की बात करेंगे तो काफ़ी अच्छा बैकअप आपको इसका मिलता है। तो इसमें से कुछ चार मॉडल्स आपको देखने को मिलते हैं। इन्वर्ट ट्यूबुलर में एक्साइड कंपनी जब लॉन्च हुई थी, जब इन्वर्टर की बैटरीज लॉन्च हुई थी, तब आईटी रेंज भी उसके साथ में लॉन्च हुई थी, जो अभी भी चल रही है, क्योंकि लोगों ने इसको काफ़ी पसंद किया है, काफ़ी भरोसा किया है, मैक्सिमम चलने वाली बैटरी है। उसके बाद में काफ़ी सारे ब्रांड्स आते गए और लोगों का कंफ्यूजन बढ़ गया कि एक्साइड में कौन सी बैटरी लेना चाहिए। सो नेक्स्ट मॉडल की बात करते हैं तो यहाँ पे एक्साइड इन्वा प्लस, इन्वा प्लस मॉडल है जो ट्यूबुलर की ही बैटरी है, ट्यूबुलर टेक्नोलॉजी की। तो इसमें रेंजेस आपको मिलते हैं IPST 1000, IPST 1350, IPST 1500 और IPTT 1500। 100 AH से 150 एम्पीयर की बैटरी है, IPST 1000 100 AH की बैटरी है, IPST 1350 ये 135 की बैटरी है, IPST 150 150 AH की, और IPTT 1500 ये भी 150 AH की बैटरी है। 46 kg टू 52 kg तक के रेंजेस इसमें वेट आपको देखने को मिलता है बैटरी का। वेट मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हैवी वेटेड बैटरी है, जितनी ज़्यादा वेटेड बैटरी है उसकी प्लेटेज की थिकनेस भी ज़्यादा होंगी और बैकअप भी आपको अच्छा मिलेगा। जब आप बैटरी बेचने भी जाएंगे तो उसके आपको कॉस्टिंग ज़्यादा मिलने वाली है। सो इसकी वारंटी आपको 42 महीने के साथ में ये रेंजेस देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट रेंजेस की बात करेंगे तो यहाँ पे इंस्टाब्राइट जो ट्यूबुलर की बैटरी है, ट्यूबुलर रेंज है, इंस्टाब्राइट के नाम से आती है, IB 1350, IB 1500, IB 1000, IB 1800, IB 880। IB 880 80 एम्पीयर की बैटरी है, 88 एम्पीयर से आपको 180 तक के देखने को मिलने वाली है। IB 1800 180 एच की बैटरी है, IT 1000 100 एच की बैटरी है, IB 1500 150 एच की बैटरी है, तो IP 1350 135 एच की बैटरी है। 39 kg से 57 kg तक के इसमें कम एम्पीयर से ज़्यादा एम्पीयर जैसे बढ़ेंगे तो वहाँ पे उसके वेट है। 36 मंथ वारंटी वाली ये बैटरी है। नेक्स्ट मॉडल की बात करेंगे तो इन्वा मास्टर, ये भी काफ़ी चलने वाला ब्रांड है, इसके अगेंस्ट में हमारे वीडियो बने हुए हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है वीडियोस जो हमने बनाए हैं, सो आप देख लीजिए, एज़ पर आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से वीडियोस बने हुए हैं, डिस्क्रिप्शन में सबका लिंक दिया गया है वीडियो के, आप देख लीजिए और पता कर लीजिए इन्वा मास्टर के बारे में। तो इसमें ऐसे ऐसे रेंज है, IM 10000, IMST 1000 जो 100 एच की बैटरी है, IMST 1500 150 एच की बैटरी है, IMTT 1000 115 एच की बैटरी है, IMTT 1500 150 एच की बैटरी है, IMTT 1800 180 एम्पीयर की बैटरी है, IMTT 2000 ये 200 एम्पीयर की बैटरी है। तो 46 kg से 68 kg तक की इसके रेंजेस है, 60 मंथ की वारंटी है। नेक्स्ट मॉडल की बात करेंगे तो यहाँ पे एक्साइड ट्यूब मास्टर, इसमें एक ही रेंज है, IMTT 1500 150 एच की बैटरी है, 51 kg की बैटरी है, 54 महीने वारंटी के साथ में आती है। तो इस तरीके से एक्साइड में इतने सारे रेंजेस आपको देखने को मिलते हैं, तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन से आपको खरीदना चाहिए। एक्साइड में और रेंजेस आते हैं, जैसे बॉस करके आता है, तो वो भी एक रेंज है, फ्लैट ब्लेड में अलग से रेंजेस आते हैं, ट्यूबुलर रेंज के बारे में हमने बात की। सो इस तरीके से इतने सारे रेंजेस आपको एक्साइड में देखने को मिलते हैं, तो आपको यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना है। ट्यूबुलर रेंजेस की हमने बात की एक साइड में, तो आपको अगर खरीदना होगा सो ये रेंजेस जो हमने आपको बताया है वो नोट करके रख सकते हैं
और कुछ भी क्वेश्चन डाउट आता है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे भी आप हमें क्वेश्चन कर सकते हैं, चैटिंग कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। तो एक साइड में आपको कम वारंटी वाली, ज़्यादा वारंटी वाली, कम कैपेसिटी वाली 88 AH, 100 AH, 115, 135, 150, 180, 200, 230 AH एज पर आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से, आपके घर के बैकअप के हिसाब से, आपके घर के लोड के हिसाब से आप बैटरी खरीद सकते हैं। ज़्यादा बैकअप चाहिए ज़्यादा एम्पीयर की बैटरी खरीदे, कम बैकअप अगर आपको चाहिए तो कम एम्पीयर की खरीदे। जितना आपका घर का आपके हिसाब से आपको जितना घंटा कम घंटा चलाना है, कम वैटेज आपका है तो आप कम कैपेसिटी के लीजिए, ज़्यादा अगर आपको चलाना है तो ज़्यादा कैपेसिटी के लीजिए, ये हिसाब से आपको बैटरी खरीदना है। और काफ़ी सारे रेंजेस आपको एक साइड में देखने को मिलते हैं। वेट हमने आपको इसलिए बताया क्योंकि वेट के हिसाब से बैटरी की प्लेट की थिकनेस, उसमें जो इलेक्ट्रोलाइट यूज़ होता है वो सल्फरिक एसिड, उसके वजह से बैटरी एक दमदार होती है, अच्छा बैकअप आपको देती है। जितनी ज़्यादा वेटेड बैटरी है उतना स्क्रैप का रेट भी आपको अच्छा मिलेगा। अगर आपकी बैटरी के मान लीजिए कि लाइफ हो गई 7-8 साल चल गई, उसके बाद आप बेचने जाते हैं तो ज़्यादा वेट होने की वजह से बैटरी का रेट भी आपको ज़्यादा मिलता है। अगर आपको थोड़ा नॉलेज है, बैटरी का वेट पता है, एग्जैक्ट वेट कितना है, वेट सारा पानी उसमें जो डिस्टिल वाटर है, सल्फ्रिक एसिड है, वो सब निकालने के बाद में वेट किया जाता है, जितना वेट आता है उस हिसाब से जो रेट शुरू है उस दिन का उतना पैसा आपको मिलता है। मान लीजिए आपकी बैटरी, नई बैटरी खरीदते हैं 60 kg की है और पुरानी होने के बाद में क्योंकि वाटर लेवल सूख जाता है, प्लेट की थिकनेस सूख जाती है, गल जाती है, उसका वेट कम हो जाता है तो 40 kg की हो जाती है। और अभी का आज का रेट या फिर आगे आप ये वीडियो देख रहे हैं उस दिन का रेट आप देख लीजिए, कुछ साल के बाद में आप अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो उस दिन का रेट देख लीजिए, 90 है, 100 है, 80 है, रेट चेंज होते रहता है। आपकी बैटरी 40 kg की है और मान लीजिए आपको कैसे 80 रुपये 90 रुपये रेट मिल गया पर केजी के हिसाब से, 40 × 90 कर लीजिए, जितना कैलकुलेशन होता है उतना रेट आपको मिलेगा। पर आपको नॉलेज होना ज़रूरी है, आपको पता होना ज़रूरी है बैटरी का वेट कितना है। 100 AH का थोड़ा कम मिलेगा, 150 का थोड़ा ज़्यादा वेट रहेगा, 200 का काफ़ी ज़्यादा रहेगा। तो इस हिसाब से इन्वर्टर की बैटरीज होती है, उसके रेंजेस, उसके स्क्रैप प्राइस होते हैं। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। जो बातें हमने आपको बताई है एक साइड के रेंजेस के बारे में आप अपने घर के लिए, ऑफिस के लिए यूज़ कर सकते हैं, प्राइसिंग के बारे में आप हमें पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हम आपको बता देंगे। और कुछ जानकारी चाहिए होंगी आप हमें क्वेश्चन कीजिए, अगर आपने हमें क्वेश्चन किया हमें जेन्युइन लगा उसके अगेंस्ट में वीडियो बना के ला लेते हैं, वीडियो बना के ला लेंगे। अगर कोई क्वेश्चन होगा सिंपली कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कीजिए, आंसर दे देंगे। लाइक कर लीजिए, चैनल में नए होंगे तो सब्सक्राइब करना ना भूले, ताकि आने वाले इस तरह के वीडियो आपको हमेशा हमारे चैनल में मिलते हैं और मिलते रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही, हंसते रहिए, कुछ रहिए, मिलते हैं सीखने वीडियो के साथ में, तो मिलते हैं अगली वीडियो में।